हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास टुडे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस इनर्शिया एंड मास ऑल्सो। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन इट्स मास विच वी डिस्कस प्रीवियसली। लाइटर ऑब्जेक्ट हैव अ लेसर इनर्शिया, दैट इज दे कैन ईजीली चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। सो जितना ज़्यादा हल्का ऑब्जेक्ट होगा, जिसका मास जितना ज़्यादा कम होगा, उसमें इनर्शिया भी उतना ही कम होगा, ठीक है। और हम उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज कर सकते हैं इजीली। एंड हैवियर ऑब्जेक्ट हैव लार्ज इनर्शिया एंड देयरफॉर दे शो मोर रेजिस्टेंट। जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा इनर्शिया भी होगा एंड और उसमें उतना ही रेजिस्टेंस भी होगा, और हम उसको उसकी स्टेट को इजीली चेंज नहीं कर सकते। मास इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंसिडर द आई ऑलरेडी डिस्कस द एग्जाम्पल इन द प्रीवियस क्लास, बट आई वॉन्ट टू डिस्कस हेयर ऑल्सो। कंसिडर द इमेज गिवन बिलो। इट इज़ ईजियर फॉर अ पर्सन टू पुश अ बकेट दैट इज एम्प्टी रादर देन द वन दैट इज फिल्ड विद सेंड। तो खाली बकेट को आप मूव करोगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू हम उसमें अगर सैंड को मिक्स करेंगे बकेट में। दिस इज़ बिकॉज द मास ऑफ द एम्प्टी बकेट इज़ लेसर देन द मास ऑफ द बकेट दैट कंटेन सेंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट वेन एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट और on an object its velocity changes, that is the object gets an acceleration. So here if an object is to be accelerated, that is the greater the force is required to give a greater velocity. Jitna zyada velocity hogi utna zyada force lagega, theek hai. So hamara jo momentum hai wo kis par depend karega? Mass aur velocity pe. In that way, one such property called momentum was introduced by the Newton, and the momentum is denoted as P of an object is defined as the product of mass and velocity. Momentum kya hota hai? The product of mass and velocity. So momentum has both direction and magnitude. Its direction is the same as that of velocity. That is V. So SI unit of momentum is kilogram meter per second. Why kilogram meter per second? Because mass is kilogram, V is meter per second. So अगर हम इसको product के respect में देखेंगे तो क्या होगा? Kilogram meter per second. So momentum हम किसको बोलेंगे? Momentum is the product of the mass and velocity. That's it. And and it is a vector quantity because it has both direction and magnitude. So hum second law of motion ko aise bhi define kar sakte hain. Please note down in your notebook that the Newton's second law of motion is defined as the time that rate of change of momentum is equal to the force acting on the particle. So here, let's start that the application of an unbalanced force brings a change in the velocity of the object, and it is therefore clear that a force also produces change in momentum. So force bhi agar hum kisi cheez par apply karte hain, that is also lead to the change in momentum. So let us consider a car situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. If one or two person, अगर एक straight line पर car ख़राब हो गई है, dead battery हो गई है, तो हाँ एक से दो लोग उसको धक्का लगा रहे हैं और car को दोबारा से start करने के लिए at least 1 meter per second की आपको speed चाहिए होगी. Sorry. So if one or two person gives a sudden push unbalanced force to it, it hardly starts. So but
a continuous push over some time result in a gradual acceleration. आप थोड़े टाइम बाद रुक जाओगे तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा. अगर आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली उसको पुश करते रहोगे तो क्या होगा कि फोर्स जनरेट होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा ऑफ अ कार टू दिस स्पीड. इट फोर्स तो ऑलरेडी हम लगा ही रहे हैं तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा. तो इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम. यही बताता है कि आप अगर इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली द फोर्स नॉट ओनली द मोमेंटम. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सिर्फ मोमेंटम इम्पॉर्टेंट है या एक्सेलरेशन इम्पॉर्टेंट है, टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो इट डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स भी फोर्स पर भी डिपेंड करेगा, टाइम पर भी डिपेंड करेगा. Which force is exerted, during which the force is exerted. It may then necessary concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on the time, rate at which the momentum is changed. So second law of motion क्या होता है, the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. जिस भी direction में हम force apply करेंगे, unbalanced force, बैलेंस फोर्स नहीं सिर्फ अनबैलेंस फोर्स, जिस भी डायरेक्शन में हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑल्सो. सपोज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v, सो इन टाइम t. By the application of constant force कितना है F throughout the time, so T. The initial velocity of initial and final momentum of the object क्या होगा कि m u is a initial momentum and m v is a final momentum. तो change in momentum क्या होगा, p2 minus p1 के directly proportional होगा, और p2 की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, final velocity minus initial velocity. तो यहाँ से मैंने common ले लिया है m को, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टी कर देंगे. रेट की बात जब आ जाए ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात आ जाए तो डिवाइडेड बाय टी. सो और द अप्लाइड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, हम इसको अप्लाइड फोर्स भी कह सकते हैं. अप्लाइड फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, एम मल्टीप्लाई वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी. सो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो मैं यहाँ पर k लेकर आ जाऊंगी, दैट इज़ अ कांस्टेंट. तो f क्या हुआ हमारा, k m a, ये हमारा क्या है, ये जो पार्ट हमारा बच गया m मल्टीप्लाई v माइनस u डिवाइडेड बाय t, हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, सॉरी v माइनस u डिवाइडेड बाय t हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, सॉरी फॉर दैट. सो m नहीं होगा, m इज डिफरेंट, m एज इट इज़ रहेगा, k एज इट इज़ रहेगा, v माइनस u डिवाइडेड बाई t क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है. तो एक्सेलरेशन हमने इसकी जगह पर हमने एक्सेलरेशन लिख दिया, तो हमारा f क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन. ये दो टर्म्स आप ज़रूर ध्यान रखिए, आपके इसमें न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, और एक फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या देता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो यस, दिस इज़ इट अबाउट ए इक्वल्स टू, ये हमें पता है विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. द के इज़ अ proportionality constant and the SI unit of mass and acceleration. अब आप mass की क्या SI unit है, किलोग्राम, और acceleration की क्या है, meter per second square. तो क्या हो गया force की unit, किलोग्राम meter per second square. Okay, so yes, here the one unit of force is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square. तो ये बड़ी important definitions हैं कि अगर 1 newton का force apply होता है किसी भी object पे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, 1 kilo का object होगा, 1 kilo of mass of an object and the acceleration produced by the object that is 1 meter per second square. इसको हम बोलेंगे one unit of force is defined as the amount that produces a 1
produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass. So this is all about the one Newton force that is applied by an object. Yeah. So thus the value of K is 1. That's it. So F equals to M into A. The unit of force is kilogram meter per second square. और इसको हम Newton भी बोलते हैं. SI unit of force is Newton. And it is symbol as capital N. So the second law of motion gave us a method to measure the force acting on an object as a product of mass into acceleration. तो force क्या होता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन. या सो हेयर द एप्लीकेशन इज गिवन. सपोज आप मान लीजिए फील्ड में हैं और आपने देखा होगा कि क्रिकेटर जो होते हैं, जब क्रिकेटर बॉल को हिट करता है तो जो फील्ड में खड़ा खिलाड़ी होता है, वो भी फील्ड जो फील्डर होता है वो क्या करता है, जब बॉल को कैच करता है तो वो अपना हाथ पीछे की तरफ खींचता है. क्यों खींचता है? इन डूइंग सो द फील्डर इंक्रीजेस द टाइम. वो क्या करता है, जब वो अपने हाथ को खींचता है तो वो क्या करता है, टाइम को इंक्रीज करता है. ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू ज़ीरो. अब वो अपने हाथ को जैसे ही खींचता है तो वेलोसिटी भी कम होती जाती है. वेलोसिटी कम होगी तो अल्टीमेटली ज़ीरो होगी और उसके हाथ पर कम हिट करेगी. दस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज्ड एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल इज आल्सो रिड्यूस्ड. तो एक्सेलरेशन कम होगा और जो इम्पैक्ट होगा फास्ट मूविंग बॉल का वो भी रिड्यूस होगा. इफ द बॉल इज स्टॉप सडनली, अगर मान लो आपने एज इट इज हवा में ही पकड़ लिया है बॉल, उसको टाइम को इंक्रीज नहीं किया है, पीछे की तरफ नहीं खींचा, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो हायर द वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी द लार्ज. सो देयरफॉर अ लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच एंड दैट मे हर्ट द पाम. दैट्स इट. सो आपने इसमें भी देखा होगा, लॉन्ग जंप में आपने देखा होगा, लॉन्ग जंप में लोग मैट्रेस बिछा देते हैं, कुशन्ड बेड बिछा देते हैं, सैंड बेड बिछा देते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या होता है, जब आप एथलीट क्या होता है, जब तुरंत जंप करता है उस केस में भी क्या होता है कि टाइम इंक्रीज होता है. टाइम इंक्रीज होता है तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम होता है, वेलोसिटी हायर वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है. तो उससे क्या होगा, उससे बेड उससे टाइम बढ़ेगा और टाइम बढ़ने के साथ साथ उसको एथलीट को कम चोट लगेगी. सो मेन रीज़न इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल इज रिड्यूस. इफ द बॉल इज स्टॉप सडनली, अगर सडनली स्टॉप होगी तो क्या होगा, देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीजेस टू ज़ीरो, तुरंत एकदम से ज़ीरो हो जाएगी. और अगर तुरंत ज़ीरो हो जाएगी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम एकदम टाइम के साथ तुरंत ज़ीरो हो जाएगी, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी द लार्ज. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हिट करेगा उसके हाथों पे. ऐसे ही सेम मैट्रिस के साथ भी है, मैट्रिस में भी क्या होगा कि अगर मैट्रिस होगी तो टाइम बढ़ेगा, है ना, उसके गिरने के बाद, कुशन के कुशन बेड के गिरने के बाद, पर गिरने के बाद क्या होगा कि टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो हिट भी कम करेगा. दैट इज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स कम लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम कम होगा उतना ज़्यादा फोर्स भी ज़्यादा लगेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. लेट स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर वन. अ कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, 5 किलोग्राम का आपका कोई मास है ऑब्जेक्ट का, और टाइम ड्यूरेशन क्या है, 2 सेकेंड है. इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी है आपकी इनिशियल और ये फाइनल. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. आप अप्लाइड फोर्स कैसे निकालेंगे, एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. एम कितना है, 5 किलोग्राम, और v 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. सो नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अब 5 सेकेंड के लिए करेंगे तो क्या होगा,
5 सेकंड के लिए करेंगे, तो आप सिंपली फाइनल, इसने बोला है कि 5 सेकंड के लिए करेंगे, तो व्हाट विड बी द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एज इट इज़ रहेगी, बाकी आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप यहाँ पर भी रख सकते हैं सिंपल, फोर्स हमारा 10 न्यूटन है, मास हमारा 5 kg है, बी हमको निकालना है, यू क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी 3 है, और डिवाइडेड बाई टी, टी हमारा क्या है 5 सेकेंड, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, एक्सेलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 ग्राम मास एट अ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कौन सा ज़्यादा फोर्स चाहिए किसको? तो आप देखेंगे यहाँ पे मास फर्स्ट के लिए आपका 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और मास के लिए यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, सेकेंड केस के लिए मास दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा वाला फोर्स कौन सा है, F1, तो F1 के लिए ज़्यादा फोर्स होगा, दस एक्सेलरेटिंग 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी एट ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स अ 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ द मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 किलोग्राम। तो इनिशियल वेलोसिटी को सबसे पहले किलोमीटर पर आवर है, तो आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए, है ना, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो सिंपली इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 60 मिनट्स और सेकंड बोथ, ठीक है, सो 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ब्रेक लगा रहा है यहाँ पर, है ना, टू स्टॉप अ कार मूविंग मोटर कार, तो क्या क्या लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो ब्रेक लगा रहा है तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो होगी, ठीक है। द टोटल मास क्या होगा हमारा, 1000 है ना, टाइम हमें दिया हुआ है, तो एम के फोर्स क्या होता है, एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, है ना, एम क्या है 1000 मल्टीप्लाई जीरो माइनस 30, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैसे आई थी, हमने क्या किया था कि 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया था, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या किया था, 108 को मल्टीप्लाई किया था 1000 से और डिवाइड किया था 3600 से, ठीक है। तो यस, यहाँ पर आप अपनी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका, फोर्स माइनस में आंसर आ रहा है, अब देख रहे हैं, तो नेगेटिव साइंस क्या दे रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक टू ऑपोजिट, आपका फोर्स क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस साइन का मतलब ये है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है फोर्स उसके ऑपोजिट में लगाया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप इन एग्जांपल्स को पढ़िएगा, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, ठीक है। एक एग्जांपल अगर आप चाहते हो तो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 9.5, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन बॉल ऑफ अ मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, तो आप इसको सबसे पहले किलोग्राम में चेंज करिए, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक मास है जिसका 20 ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 ग्राम, तो आप वो मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हाउ मच फोर्स डज इज रिक्वायर टू ब्रिंग अ बॉल टू एट अ रेस्ट। सो द इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 सेंटीमीटर, इनिशियल वेलोसिटी आप देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये देखो सेंटीमीटर में देख रहे हैं आप, तो आप किस में चेंज करेंगे उसको, मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। सो बेसिकली ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल डिक्रीजेज डाउन टू 0 इन 10 सेकेंड। सो यू इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड टी इज 10। सो हेयर ए आप एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले, वी दिया हुआ है हमको कितना 0, ठीक है, व्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर क्या आया हमारा -2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने किस में चेंज किया, मीटर में चेंज किया, तो डिवाइडेड बाय 100।
फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, मास हमें पता है, मास कैसे करेंगे 20 ग्राम है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आएगा हमारा 0.02, ठीक है, हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आएगा, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे इससे दोबारा से 0.02 से, तो कितना आएगा -0.0004 न्यूटन, तो नेगेटिव साइन दोबारा से क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय द टेबल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, लेट्स प्लीज डू इट in your notebook or something else, you know, I want you to practice all these questions at your home. This is your homework, and also do the question after the NCERT, after this chapter, based on this topic. So this is all about today. Thank you, have a nice day.